और चलिए उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि रिहायशी इलाकों में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। जी हाँ, रिहायशी इलाकों में पैंथर का मूवमेंट नजर आया है। दिवाली इलाके में अल सुबह पैंथर नजर आया और मौके पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग को उसकी सूचना दी गई। पैंथर के आने से लोगों में डर का माहौल है। और एक बार ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए कि किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि मौके पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि जैसे ही रिहायशी इलाकों में पैंथर की मूवमेंट की सूचना मिली तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हो गए और उसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। तो उदयपुर का पूरा मामला है। तो आपको बता दें कि पैंथर की मूवमेंट की सूचना मिलने के बाद लोगों में डर का माहौल बना है, भय का माहौल बना है। देवाली इलाके में अल सुबह पैंथर नजर आया और आपको बता दें कि जैसे ही लोगों ने पैंथर को देखा तो एक बड़ा हुजूम, एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए। बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा यहाँ पर नजर आया और उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। तो आपको बता दें कि रिहायशी इलाकों में जिस तरह से पैंथर का मूवमेंट लगातार नजर आ रहा है, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन इस पैंथर के मूवमेंट से दिवाली इलाके में लोगों के अंदर डर का माहौल बना है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए उदयपुर का पूरा मामला है, जहां पे दिवाली इलाके में अल सुबह पैंथर का मूवमेंट नजर आया, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए इंदु, दरअसल उदयपुर का ये जो आसपास का एरिया है, यहाँ पर पैंथर का मूवमेंट अब एक तरीके से कहें तो आम बात हो गई है। वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले दिनों एक जो आवासीय इलाका था हिरणमगरी का, वहाँ एक गर्ल्स हॉस्टल में पैंथर करीब 4 से 6 घंटे तक दुबका रहा और बाद में उसको ट्रैंकुलाइज किया गया। कमोवेश इसी तरह की स्थिति आज देवाली इलाके में है। यहाँ पर जो वन विभाग से सटा हुआ, जो वन क्षेत्र से सटा हुआ जो एरिया है, वहाँ एक खंडर नुमा घर में पैंथर के होने की सूचना है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर है, वो कोशिश कर रही है कि अगर उस चूंकि एक काफी अंदर की तरफ ये जो इस इलाके की जो जगह है जहाँ ये पैंथर होने की बात है, ये थोड़ा अंदर की तरफ है खंडर नुमा जगह जहाँ पर पैंथर दुबका हुआ है जो बताया जा रहा है। तो वन विभाग की जो टीम है वो बड़ी सावचेती के साथ में, बड़ी सुरक्षा के साथ में उस पैंथर वाली जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन संभव है कि ऐसा भी हो सकता है कि पैंथर इतना जो लोगों की वहां अभी जो मूवमेंट बढ़ा है उससे वापस जिस इलाके में जिस तरफ से आया है वहां से निकल भी जाए। लेकिन ये अंदेशा अभी बरकरार है कि पैंथर वहीं उस खंडर में है और वन विभाग की जो टीमें हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि उसको जल्द से जल्द अगर वहां है तो ट्रैंकुलाइज किया जाए और उसको फिर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जा सके। बिल्कुल रवि, ट्रैंकुलाइज अभी एक बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर है, एक बड़ा जमावड़ा नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से रवि देखिए पिछले दिनों मूवमेंट पैंथर का बड़ा है, लोगों में डर का माहौल है, लोग दहशत में जी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जैसा मैंने भी कहा है कि पिछले अगर 2 महीनों की बात करें तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा आवासीय इलाकों में पैंथर का मूवमेंट रहा। खासकर ये जो इलाका है देवाली, बड़गांव और इस तरफ का जो एरिया है, यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो कुछ 2-2.5 महीने पहले एक किसान जो खेत में काम कर रहा था उस पर पैंथर ने अटैक किया, जिसके चलते उस किसान की मौत भी हो गई थी। तो ये जो इलाके हैं ये पैंथर्स की टेरिटरी है, यहाँ पर अमूमन पैंथर्स का मूवमेंट रहता है और गंभीर विषय, चुनौतीपूर्ण विषय तब हो जाता है जब पैंथर आबादी इलाकों की तरफ आ जाता है। और चूंकि आबादी इलाके भी लगातार बढ़े हैं, वन क्षेत्र हैं वो कम हो रहे हैं और यही वजह है कि ये जो जंगली जानवर हैं इनका मूवमेंट आवासीय इलाकों में देखने को मिलता है। खासकर दिवाली वाले इलाके में कई बार कई घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में पैंथर्स कैद हुआ है। पिछले दिनों अभी एक सप्ताह पहले ही प्रतापनगर इलाका जो है, जो सघन आबादी क्षेत्र है, वहां पर भी पैंथर का मूवमेंट दिखा था जब उसने एक डॉग का, जो स्पीड डॉग है उसका शिकार किया था। तो पैंथर का मूवमेंट उदयपुर शहर के आसपास के जो तमाम इलाके हैं, बड़गांव, बलीचा, भुवाना, इन इलाकों में लगातार देखने को मिलता है और आज भी ये पैंथर जो है यहाँ पर देखा गया। इसके बाद से लोगों में भय का माहौल है। वन विभाग की टीम को सूचना दे दी गई थी और वन विभाग की टीम तुरंत से मौके पर पहुंची है। लोगों को साइड किया जा रहा है इस वजह से कि अचानक से अगर पैंथर बाहर निकल आता है तो किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, और ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश वन विभाग की टीम कर रही है। लेकिन काफी चुनौतीपूर्ण ये जो एरिया है, इसलिए वन विभाग को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि खुला एरिया है और एक खंडर नुमा जगह में पैंथर के होने की जानकारी है। बिल्कुल रवि, देख भी पा रहे हैं हम तस्वीरों में, लेकिन आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।